आप देख रहे हैं TNB। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार को राज्य सरकार को मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर चेतावनी दी है। जी हां, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को मांग की कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद किए जाने चाहिए। अगर जल्दी ऐसा नहीं होता है तो वो तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजवाएंगे। बता दें कि मुंबई में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं। इसके साथ ही कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। ठाकरे ने आगे कहा कि वो किसी विशेष धर्म की प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने धर्म पर ही गर्व है। राज ठाकरे का बयान ऐसे समय में आया है जब मुस्लिम समुदाय का सबसे पाक माने जाने वाला महीना यानी कि रमजान चल रहा है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख ने NCB प्रमुख शरद पवार पर भी हमला बोला। उन पर समय समय पर जाति का मुद्दा उठाने और समाज को बांटने का भी आरोप लगाया। ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी कटाक्ष किया, जिनकी पार्टी शिवसेना 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर BJP से अलग हो गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बस यही नहीं, ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों पर छापा मारने की अपील की। राज ठाकरे ने कहा कि मैं PM मोदी से मुस्लिम झुग्गियों में मदरसों पर छापा मारने की अपील करता हूं। पाकिस्तानी समर्थक इन झोपड़ियों में रह रहे हैं, हमारे विधायक वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, लेकिन विधायक उनके आधार कार्ड बनवा रहे हैं। इसी दौरान राज ठाकरे ने NCP प्रमुख शरद पवार पर भी हमला बोला। उन पर समय समय पर जाति का मुद्दा उठाने और समाज को बांटने का आरोप लगाया है। जी हां, राज ठाकरे ने कहा कि शरद पवार ने 1999 में NCP का गठन किया था, तब से राज्य में जातिवाद और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने हमेशा जाति के आधार पर राजनीति की है और लोगों के बीच विभाजन पैदा किया है। ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी कटाक्ष किया, जिनकी पार्टी शिवसेना 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर BJP से अलग हो गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है, हम महाराष्ट्र में भी ऐसा ही विकास चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अयोध्या जाएंगे, लेकिन आज ये नहीं बताऊंगा कि वो वहाँ पर हिंदुत्व के बारे में भी बात करेंगे। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।